तो टीआरएनए को हम देखते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं या किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर्स होता है। सबसे पहला अगर आरएनए की स्ट्रक्चर्स की देखे जाए तो तीन टाइप के आरएनए हमने देखे हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक, तो उन तीनों में से सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? स्मॉलेस्ट आरएनए पीआरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए। ठीक है, सबसे छोटा आरएनए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अगर बात करें, न्यूक्लियोटाइड की अगर संख्या की बात करें, 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड इसमें देखे जाते हैं। ठीक, अगर सभी की परसेंटेज की अगर बात करें कि जो आरएनए जो का परसेंटेज रहता है, तीनों आरएनए का अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 10 से 15% टोटल आरएनए में, टीआरएनए का 10 से 15% यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको क्या सोल्युबल आरएनए भी बोला जाता है? सोल्युबल आरएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वन मोलर न्यूक्लियो सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, ये सोल्युबल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए कितने टाइप के टीआरएनए होते हैं तो 20 टाइप के टीआरएनए होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए 20 टाइप के टीआरएनए भी देखने को मिलते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के टीआरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं तो 20 ही प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पर टीआरएनए देखने को मिलते हैं। ठीक, अब टीआरएनए की टर्म मतलब नाम टीआरएनए किसने दिया, तो यहाँ पर मोहरोंग होंगलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको टीआरएनए कहा, 1957 की बात है। ठीक, फिर रॉबर्ट होली साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ग्लोबल लीफ मॉडल दिया, ग्लोबल लीफ मॉडल दिया किसमें, ईस्ट में देखने को इसने क्या किया, ईस्ट में इसको देखा और ग्लोबल लीफ मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया जो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो 2D टू डायमेंशियल स्ट्रक्चर है और इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट होली जो साइंटिस्ट थे, बेस सीक्वेंस के क्या किया यहाँ पर एनालिसिस या डिटरमाइन किया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो टीआरएनए का जो ग्लोबल लीफ मॉडल जो है किस प्रकार का दिखाई देता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या है कि लूप बने हुए रहते हैं, वैसे तो क्या है कि टीआरएनए जो रहता है सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल्स है, पर क्या होता है इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लोबल लीफ स्ट्रक्चर जो है उसमें 4 आर्म यहाँ पर दिखाई देती है, जिसमें से 3 आर्म मैन होती है, 1 आर्म वेरिएबल आर्म होती है और उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, पर 3 जो आर्म जो रहती हैं, ठीक है, उन तीनों आर्म के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए ये 4 आर्म, ये फर्स्ट वाली आर्म जो है, तो फर्स्ट आर्म में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक 5 एंड है और 3 एंड है। ठीक है, तो 5 एंड की अगर बात करें तो 5 एंड में क्या होते हैं, अगर संख्या न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए या देश पेयर की बात की जाए तो यहाँ पर ग्वानिन की संख्या ज्यादा होती है 5 एंड वाले रीजन में। ठीक है, पर 3 एंड वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है, CCA मतलब साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन वाला जो एंड रहता है उस वाले आर्म को क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर आर्म बोला जाता है। अब एक्सेप्टर आर्म क्यों बोला जाता है, 3 एंड वाला जो एरिया रहता है वहां पर क्या होता है, OH ग्रुप 3 रहता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो आते हैं वो यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चलती है उस दौरान क्या अमीनो एसिड जाकर 3 एंड वाले रीजन में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, इस कारण इसको एक्सेप्टर आर्म बोला जाता है। ठीक, पर दूसरी आर्म की बात करें यहाँ पर, ये दूसरी वाली आर्म, तो दूसरी वाली आर्म को बोला जाता है DHUR। ठीक है, DHUR क्यों बोला जा रहा है, अब इस आरएनए में देखा जाता है कि कुछ अनयूजुअल या मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर देखने को मले हुए लगे हुए रहते हैं इसमें। ठीक है, तो DHU जो आर्म इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें डाइहाइड्रोयूरेडिन नामक एक क्या है, बेस पेयर यहाँ पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या है, बेस पेयर यहाँ पर, ये डी है। ठीक, ये दोनों डी इसका क्या नाम है, डाइहाइड्रोयूरेडाइन बेस पेयर। ठीक, तो इसका कोई इसका इसमें लूप का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ है, लूप का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अनयूजुअल क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर बेस पेयर लगे हुए, नहीं तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाती, पर यहाँ पर अनयूजुअल जो बेस पेयर लगा हुआ है उस कारण यहाँ पर क्या हो गया, लूप का फॉर्मेशन हो गया। अब इस लूप का काम क्या है, इस लूप में क्या होता है कि स्पेसिफिक एंजाइम जुड़ा हुआ रहता है जो क्या करता है कि सूटेबल अमीनो एसिड को बाइंडिंग में क्या करता है, हेल्प कराता है। तो जो अमीनो एसिड जो रहते हैं वहां पर क्या कहता है, ये पहचानता है उसको, आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है, ये इस एंजाइम की सहायता से क्या होता है, अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है।
फिर नेक्स्ट आर्म आती है जिसको बोलते हैं एंटीकोडॉन आर्म। तो एंटीकोडॉन आर्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एंटीकोड यहाँ पर जाकर क्या होता है, एमआरएनए जो रहता है उसको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, फिर उसके बाद एमआरएनए क्या होता है, बाइंड अप होता है। इस वाली आर्म से क्या होता है, एमआरएनए बाइंड अप होता है। एंटीकोडॉन क्यों बोला जा रहा है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एमआरएनए जो लगेगा, ठीक, तो यहाँ पर ए यू जी, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस एमआरएनए यहाँ से अटैच होगा, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, एंटीकोडॉन आर्म बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट आर्म आती है वेरियल आर्म। वेरियल आर्म में 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड ही देखने को मिलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्म की अगर बात करें तो नेक्स्ट आर्म क्या होती है, टी साई सी आर, ठीक, टी साई सी आर, टी साई सी आर में यहाँ पर ये पी लिखा हुआ है इस आर्म में, ठीक है, तो पी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका नाम होता है क्या, सूडो यूरेसिल, ठीक है, ये सूडो यूरेसिल यहाँ पर लगा हुआ है, अनयूजुअल बेस पेयर होता है, इसी कारण इसमें भी क्या होता है कि लूप का फॉर्मेशन हो जाता है, बेस पेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है इस आर्म का, इस आर्म क्या करती है कि टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जो रहता है इसमें राइबोसोम को क्या बाइंड अप करने में क्या करती है, इस तरह ये वाली आर्म क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, राइबोसोम जो द्वारा अटैच होगा, ये वाली आर्म जो रहेगी इसमें एमआरएनए अटैच होगा, और ये वाली आर्म जो रहेगी क्या करेगी, ये स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है जो किसमें हेल्प करता है, यहाँ पर अमीनो एसिड को अटैच करने में हेल्प करता है। तो ये टी